नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टोवर्स में। और मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं दोस्तों आप लोगों के सामने अपना नया वीडियो लेकर। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ओंटोलॉजी के वॉलेट के बारे में। तो कैसे इसको सेटअप करते हैं और कैसे हम लोग अपनी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं ओंटोलॉजी के अंदर, तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेटअप कर सके और एक पैसिव अर्निंग जनरेट कर सके। जैसे कि हम लोगों को पता ही है दोस्तों, रिसेंटली इसने इतना ज़्यादा धूम मचाया मार्केट के अंदर, और जब पूरी की पूरी बेयरिश मार्केट चल रही थी उस टाइम पर इसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न लोगों को दिया। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है दोस्तों, पूरी की पूरी ट्यूटोरियल है, तो कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाएं। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों का छोटा सा दोस्त हूं जो कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में क्रिप्टो यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट आईसीओ या कॉइन के अंदर पार्ट लेना है ना लेना टोटली आपके ऊपर है। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर जाएं और उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, पहले नीचे स्क्रॉल करके देख लें, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसे ही डाउनलोड करें। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो exe फाइल डाउनलोड करें, अगर आपके पास मैक है तो .dmg फाइल डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लें और फिर उसके बाद इसे ओपन कर लें। और ओपन होने के बाद दोस्तों इस ब्लू कलर के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो सबसे पहले जो आपको करना है दोस्तों, वो आपको करना है की स्टोर, आपको एक पाथ देना है जो कि .dat फाइल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है दोस्तों, इसको ऐसी जगह पे सेव करें जहाँ पे, या फिर ऐसी प्लेस के ऊपर सेव करें जहाँ पर और कोई जा ना सके। तो जहाँ पर आपके इनक्रिप्टेड की हों वहाँ पे भी इसको आप रख सकते हैं, और कोशिश करें आप इसका भी एक बैकअप लेके चले, या फिर जो भी आपके पास हार्ड ड्राइव है या कुछ और चीज़ें जो और भी ज़्यादा सेफ है तो उसके ऊपर भी इसका बैकअप लेके रखें। तो ये भी चीज़ याद रखें दोस्तों कि अपना वो पाथ बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप वो पाथ भूल जाएंगे तो आपके सारे के सारे ओंटोलॉजी या सारे के सारे कॉइन्स ले नहीं पाएंगे। तो पाथ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग अपने वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रे साइड बार के बारे में। अगर आप सबसे ऊपर वाले ओंटोलॉजी के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले आएगा डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे पहले वाले पेज के ऊपर। अगर आप इस वॉलेट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके वॉलेट के अंदर ले जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये आप लोगों को ले जाएगा FAQs के ऊपर, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर ये वर्क करे। क्वेश्चन मार्क के नीचे अगर आप गियर के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि आप लोगों को ले जाएगा दोस्तों सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के अंदर आप मेन नेट और टेस्ट नेट के अंदर चेंज कर सकते हैं अपने वॉलेट्स को, और अपनी लैंग्वेज को आप इंग्लिश से चाइनीज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना पाथ चेंज करना चाहते हैं अपनी सारी सेव फाइल का, तो आप इस ब्लू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं हम लोग अपनी वॉलेट स्क्रीन के ऊपर। इस वर्जन में दोस्तों इन्होंने हमें तीन तरह के वॉलेट ऑप्शंस दिए हैं, इंडिविजुअल वॉलेट, शेयर्ड वॉलेट और लेजर वॉलेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों आप लोग इंडिविजुअल वॉलेट सिलेक्शन के ऊपर रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नया सेटअप करते हैं इंडिविजुअल ओंटोलॉजी वॉलेट को। तो आप जैसे होवर करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने फिर ये ऑप्शंस और आ जाएंगे। आपको अपने वॉलेट का नाम अगर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग नियोन वॉलेट के अंदर करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपको पूछेगा फिर से की वॉलेट जो आपके होते सेव करने के लिए, उसको सेव कर दीजिए। फिर ये आगे आपको लेके जाएगा दोस्तों जो भी आपकी वॉलेट डिटेल्स होती है उन सब के ऊपर, जिसके अंदर आपको दिखाएगा आपका नाम, एड्रेस, पब्लिक की और सिग्नेचर स्कीम। आप जब इन सभी डिटेल्स को सेव कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आपका वॉलेट इस तरह से दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। तो आप जब वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको सीधा आपके वॉलेट के अंदर ले जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका वॉलेट का नाम होगा और उसके साथ में होगा बैक बटन जो कि आप लोगों को पिछले पेज पर लेके चला जाएगा। तो इसके नीचे आपका ये वॉलेट एड्रेस है, उसके नीचे आपका बैलेंस है ओंटोलॉजी का और ऑन गैस का। आप चाहे तो रिफ्रेश करके आपके वॉलेट का बैलेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। ऑन बैलेंस के नीचे आपके पास क्लेमेबल ऑन दिखाएगा और उसके नीचे दिखाएगा अनबाउंड ऑन गैस। तो ये आपका पैसिव इनकम दिखाएगा कि तो अभी तक आप इतने ऑन टोकन जनरेट कर चुके हैं। तो रिडीम करने के लिए आपको ये येलो रिडीम बटन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। तो जितनी बार भी आप दोस्तों रिडीम पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ज किया जाएगा 0.01 गैस। उसके बाद आपको अपना स्पेंडिंग पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर ये आपका बैलेंस रिफ्लेक्ट कर देगा दोस्तों।
और अगर ना करे तो बैलेंस के साथ में जो ये रिफ्रेश का बटन है इस पर क्लिक कर दें। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कैसे ऑन्टोलॉजी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो लेफ्ट वाले सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे जो कि ऊपर की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि जो भी आप एसेट सेंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप मिनिमम 0.01 ऑंग हमेशा सेलेक्टेड रहेगा। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी पे आपकी ट्रांजेक्शन को सेंड किया जाएगा। और यहाँ पर आप नीचे एड्रेस डालेंगे और जितना आप सेंड करना चाहते हैं डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये कॉन्फर्मेशन स्क्रीन के ऊपर फिर आपको लेके जाएगा। डिटेल्स को कन्फर्म करें और ब्लू कलर के सबमिट बटन को क्लिक कर दें और फिर ये आपकी ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन के लिए चली जाएगी। और राइट हैंड पे जो है आपको कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये आपके ट्रांजेक्शन किए हुए अभी तक वाले हैं। तो ट्रांजेक्शन जब भी कंप्लीट होगा तो वो राइट हैंड पे इसी जगह पर दिखाएगा। तो आप ट्रांजेक्शन हैश पर चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं और ये आपको आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स के ऊपर लेके चला जाएगा जो कि होती ऑन ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो चुकी है। तो कन्फर्मेशन स्टेटस आने के बाद फिर हम लोग बाकी अपने काम कर सकते हैं। बैक पे क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग वापस अपने होम पेज पे चले जाएंगे। तो अपने इस वॉलेट पे रिसीव करने के लिए आपको रिसीव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा आपका QR कोड, वॉलेट एड्रेस और पब्लिक की। तो जब हम लोग लेफ्ट अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस अपनी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर चाहे तो दोस्तों अपना और दूसरा वॉलेट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल में होता है O3 वॉलेट ऑन्टोलॉजी के लिए। तो जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर जब आप अपना एरो लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शंस नज़र आएंगे और इंपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, प्राइवेट की, .bat फाइल, या फिर WIF, या फिर मेनोमिक फाइल। तो सबसे ऊपर आप अपने वॉलेट का नाम डालिए, यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट की डालिए और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड डालिए और आप यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर पाएंगे ईजिली। तो आप चाहे तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने वॉलेट को। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी लोकेशन आ जाएगी जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको USB पर भी सेव कर सकते हैं। तो शेयर्ड वॉलेट जो होता है दोस्तों, ये तब काम आता है अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी पार्टनर के साथ में, या किसी दोस्त के साथ में, या किसी और पर्सन के साथ में, तो उस टाइम पर इस वॉलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ तो उस फेज़ में क्या होता है कि आप अपनी जो कीज़ होती है या जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो आप अलग अलग अपने पास रखते हैं। तो जब भी आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है तो हर एक पर्सन की आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं और उसी के बाद ही आप ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे इस वॉलेट से। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग अभी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं लेजर वॉलेट की तरफ। तो कैसे लेजर वॉलेट में आप अपने ऑन्टोलॉजी पेयर कर सकते हैं, तो लेजर वॉलेट पर क्लिक करें सबसे ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने लेजर वॉलेट चाहिए और उसको कनेक्ट कीजिए आपके कंप्यूटर से। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करने चाहते तो आपको लेजर लाइव डाउनलोड करना पड़ेगा और अदरवाइज उसके अलावा आप अपने ऑन्टोलॉजी वॉलेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे और आप लेजर मैनेजर से इसको नहीं कर पाएंगे। तो लेजर मैनेजर ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है लेजर मैनेजर के ऊपर, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ऑन्टोलॉजी के ऊपर और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा और उसको फिर क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने लेजर के ऊपर जाइए और ऑन्टोलॉजी ऐप के ऊपर जाइए, डबल क्लिक करें दोनों बटनों को, ऐप को ओपन कर लें। अब ये ओपन हो जाएगा और लेजर अब आपका सेटअप करने के लिए तैयार है। तो वापस जाइए अपने वो वॉलेट के ऊपर, लेजर वॉलेट सेलेक्ट कीजिए और प्लस के ऊपर होवर करेंगे तो वैसे ही कनेक्ट लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा देर ये वेट करेगा और उसके बाद फिर ये आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरह से आपका ऑन्टोलॉजी वॉलेट सेटअप हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, और कैसा लगा आपको ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहे। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हॉडल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों किसी एक नए प्रोजेक्ट, नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद।